हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर आप लोग? व्यूअर, ये हम लोग कुछ न्यू एंट्री लेके आए हैं अपने कबूतरों में ब्रीडिंग के लिए। ये देखें, ये काबरन मादी है, इसको कैच किया हुआ है, ये देखें। और ये किस तरह की है मादी, आप हमें देख के बताइए। ये हम अपने काबरा, वो जो हमारे पास नर है, उसके लिए लेके आए हैं। इसकी आँख भी देख लें आप, और इसका फ्रंट भी देख लें कैसी है ये, और मैं भी दिखाता हूँ आपको जिसके लिए हम लेके आए हैं। आप हमें बताइए, हम चाह रहे हैं इसका पेयर लगा के इसकी ब्रीड कराएं ब्रीडिंग के लिए। तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि ये हम इसका पेयर लगाएं या ना लगाएं, और ये आपको काबरन मादी कैसी लग रही है ये भी आप हमें ज़रूर बताइए। मैं भी दिखाता हूँ आपको इसके लिए मेल, जिसके साथ हम इसे लगाने के लिए सोच रहे हैं। देखें कैसी है ये। सो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हमारे पास न्यू एंट्री कबूतर सा हैं, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बना के दिखाऊं, क्योंकि आप लोग हमसे फरमाइश करते हैं हम वीडियो बनाया करें, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं अपने न्यू एंट्रीज़ की। सो मैं आपको दिखाता हूं इसका मेल। ये देखें व्यूअर्स, ये मेल है जिसके लिए हम इस काबरी मादी को लेके आए हैं। ये काबरा मेल है हमारे पास, आपने हमारे पास पहले भी देखा है। ये तो उड़ रहा है हमारे पास फ़िलहाल, हमने इसको पर कैच नहीं किया हुआ, लेकिन हम इस मेल के साथ इस फीमेल का पेयर लगाना चाह रहे हैं। तो आप बताइए कि ये हम ये पेयर लगाएं या नहीं लगाएं, और अगर हम ये पेयर लगाएंगे तो इसकी ब्रीड कैसी आएगी। हमारे एक्सपर्ट जो हैं, जो सीनियर हैं, जो कबूतर पालते हैं, उनको तो आइडिया होगा बहुत। तो हम अपने सीनियर से आइडिया लेने के लिए भी वीडियोज़ बनाते हैं, ताकि हमें उनसे आइडिया भी मिले। तो आप बताइए ये पेयर कैसा रहेगा। और ये आपने काबरा तो देखा हुआ है हमारा, ठीक है, और ये फीमेल भी मैंने आपको दिखा दी। तो हम ये ब्रीडिंग के लिए पेयर डाल लें। अगर आपको ये पेयर अच्छा लग रहा हो तो हमें कमेंट्स करके भी बताइए कि हम इसका पेयर लगाएं और ब्रीड लें इसकी, और किस तरह के बच्चे निकलेंगे, कुछ आइडिया भी दीजिएगा हमें। बाकी हम जो और न्यू एंट्री हैं वो भी दिखाते हैं अभी आपको, क्योंकि हमने 5-6 कबूतर लेके आए नए, हम आपको अभी दिखाते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, हमारे न्यू एंट्री टोली के लिए भी और ब्रीडिंग के लिए भी। ये देखें व्यूअर, ये एक मेल भी हम लेके आए, ये रेसरों में है, अमेरिकन रेसर। सो इसको हम ब्रीडिंग के लिए लेके आए, इसके भी पर कटे हुए हैं। ये अमेरिकन रेसर है, और इसका साइज़ भी देखें माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा साइज़ है, बड़ा है, और इस तरह से इसके पर भी कटे हुए हैं। और इसकी आप आँख भी देख लें, फेस भी देख लें कैसा है। ये अमेरिकन रेसर्स में है, और इसकी नोज़ भी देख लें आप कैसी है। ये हम ब्रीड के लिए लेके आए हैं, अभी ये सिर्फ मेल है, इसके लिए फीमेल भी लेंगे। तो आप ये भी बताइए, ये भी न्यू एंट्री में हम ब्रीडिंग के लिए भी अपने पेयर तैयार कर रहे हैं, तो ब्रीडिंग के लिए ये मेल कैसा रहेगा। ये अमेरिकन रेसर है, अगर आपको ये रेसर भी पसंद आ रहा हो अमेरिकन रेसर, और जो सीनियर हैं वो लोग भी हमें ज़रूर बताएँ कि कैसा लगा आपको। और ये ब्रीडिंग के लिए हम डाल लें, इंशाल्लाह इसकी ब्रीड होगी, या फीमेल भी लेके आएंगे तो वो भी दिखाएँगे। होप आपको पसंद आ रहे होंगे, अगर कबूतर पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर करिए। मैं आपको और दिखाता हूँ, और भी न्यू एंट्री लेके आए हम अपनी टोली के लिए भी, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो व्यूअर, आप ये भी देखें, ये भी हम एक न्यू एंट्री लेके आए हैं अपनी टोली के अंदर उड़ाने के लिए, लड़ाने के लिए, और इसके पर नहीं बांधे अभी। ये देखें ये कबूतर कैसा है, इसके सर पर चोटी भी है, और इसकी आप आँख भी देख लें कैसा लग रहा है आपको। होप आपको अच्छा लग रहा होगा, आप हमें बताइएगा ज़रूर। इसकी दुम भी देख लें कैसी है। इसके पर नहीं बांधे हुए, काफ़ी वो कर रहा है ये कबूतर। सो ये कबूतर कैसा है टोली के लिए हम लड़वाने के लिए लेके आए, अपनी टोली में इसे मिलाएंगे इंशाल्लाह। सो आपको ये कबूतर भी कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। मैं आपको और कबूतर दिखाता हूँ, और भी हम लोग न्यू एंट्री में लेके आए। सो व्यूअर, ये देखें, ये एक नफ्ता भी है, ये भी हम टोली के लिए लेके आए अपनी लड़वाने के लिए। आप इसके भी पर देख लें कैसा है, और इसकी आइज भी देख लें। ये नफ्ता है, टोली के अंदर नफ्ते भी बड़े ज़बरदस्त उड़ते हैं, गिरते नहीं हैं ये, इस वजह से हम नफ्ते भी रखते हैं। ये देखें इसका फ्रंट भी देख लें आप, ये कैसा लग रहा है आपको नफ्ता। ये हम टोली के लिए लेके आए, तो तीन कबूतर जो है हम लोग अपनी टोली के लिए लेके आए हैं, अपनी टोली में उड़ाएंगे, लड़वाएंगे उसे उन्हें इंशाल्लाह। और बाकी वो जो दो दिखाए थे मैंने आपको पर कटे, वो ब्रीडिंग के लिए लेके आए। तो ये नफ्ता आपको कैसा लगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा। इसकी आँख भी आप अच्छी तरह से देख लें,
और एक और कबूतर रह गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हम तीन अपनी टोली के लिए लेके आए हैं और दो ब्रीडिंग के लिए लेके आए हैं। तो इसका फ्रंट भी देख लिया होगा आपने, होप आपको कबूतर पसंद आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो फिर हमें खुशी होती है और फिर हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं, जैसा आप हमसे कहते हैं। तो व्यूअर, ये एक आखिरी कबूतर है हमारा जो हम नई न्यू एंट्री में लेके आए। ये देखें, ये काबलियों में है, नफ्ते काबलियों में ही आता है ये। और ये किस तरह का, आप ये देख लें, ये भी हम टोली में लड़ाने के लिए लेके आए। इसके भी अभी हमने पर नहीं बांधे, इनके पर बांधेंगे एक दो दिन और उसके बाद फिर इन्हें खोलेंगे इंशाल्लाह टोली के अंदर। तो आप देख के बताइए आपको हमारी न्यू एंट्रीज कैसी लगी। ये नफ्ता, इसका फ्रंट भी देख लें, इसकी आँख भी देख लें, काबलियों में है ये या नफ्तों में है, क्योंकि सीनियर्स को तो ज़्यादा पता होगा। तो होप आपको हमारे न्यू एंट्री पसंद आए होंगे, अगर पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल कलरफुल बर्ड्स को भी आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बना के दिखाते रहते हैं और कबूतरों के बारे में इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं। तो चलें, अब मैं आपको हमारे वो कबूतर भी दिखा दूँ जो हमने खोले हुए थे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये देखें व्यूअर, ये हमारे सारे कबूतर हैं जो हमने कबूतर खोले भी थे, वो भी सब अब इसमें उड़ रहे हैं माशाल्लाह से। और जो कबूतर हमने पकड़े थे, जैसे ये पकड़ा था, ये भी उड़ रहा है इसके अंदर। और हमने जो ये वाली पकड़ी थी लास्ट टाइम ब्लैक एंड वाइट, इसके हमने पर ही नहीं बांधे, क्योंकि हम जो कबूतर पकड़ते हैं उनके तकरीबन पर नहीं बांधते हैं। ये देखें, ये भी उड़ रही है। और ये जो हमने पकड़ा था वाइट वाला, ये भी उड़ रहा है माशाल्लाह से, इसके भी पर नहीं बांधे। तो नए कबूतरों के हम पर नहीं बांधते हैं, जो पकड़ते हैं उनके पर नहीं बांधते हैं, बाकी जो लेके आते हैं उनके तो दो तीन दिन के लिए पर ज़रूर बांधते हैं, क्योंकि वो ख़रीदे हुए होते हैं पैसों से और ये पकड़े हुए होते हैं इसलिए। तो अभी इसमें पर कटे भी हमने छोड़े हुए हैं, जैसे वो रेसर जंगला है वो भी खुला हुआ है इसके अंदर। और व्यूअर, हमारे एक व्यूअर हैं शाफे किंग, उन्होंने हमसे बोला था कि हम वीडियो बनाते हुए उनका नाम ज़रूर लें। तो हम हमारे व्यूअर शाफे को अपनी तरफ से हाय कहेंगे। हेलो शाफे, कैसे हैं आप? सो होप, अगर शाफे आप भी ये वीडियो देख रहे हो तो आपने हमसे कहा था हम आपका नाम लें वीडियो के अंदर, तो हम आपका नाम भी ले रहे हैं। असल में व्यूवर्स, हमारे वीडियोस को बच्चे भी बहुत लाइक करते हैं, तो वो भी देखते हैं और हमारा उनसे ये कहना है कि वो वीडियोस देखें, पसंद करें, लाइक करें, बिल्कुल नो प्रॉब्लम, लेकिन अपनी पढ़ाई को ना छोड़ें इस शौक़ के लिए। ये शौक़ करें लेकिन बाद में, पहले अपना पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दें और उसके बाद वीडियोस को देखा करें। अपनी पढ़ाई के टाइम को वीडियोस में या कबूतरों के अंदर बिल्कुल ना लगाया करें, ये हमारी बच्चों से रिक्वेस्ट है। जो भी हमारे व्यूअर हैं बच्चे, उन सब से ये हमारी रिक्वेस्ट है कि शाफे किंग, आप वीडियोस देखें, बिल्कुल देखें, लेकिन जब आपकी पढ़ाई का टाइम हो उस वक्त आप पढ़ाई करें, और जब आप पढ़ाई से फ्री हों, यानी कि आपके पास फ्री टाइम हो, तो उस वक्त हमारी वीडियो ज़रूर देखें, उस वक्त मना नहीं है आपको बिल्कुल भी। तो देखा व्यूअर्स आपने हमारे कबूतर कैसे हैं, हमने जो नए कबूतर पकड़े हैं वो भी हमने आपको दिखाया कि उनके हमने पर नहीं बांधे, वो भी हम टोली में हल्के हल्के इनको दाना पानी करके ऊपर नीचे बिठा रहे हैं, गोल कर रहे हैं। जिस तरह से ये मादी है, ये बहुत खूबसूरत लगी है मुझे, होप आपको भी पसंद आई होगी। ये देखें इस तरह से। तो होप व्यूअर्स, ये वीडियो हमारी न्यू एंट्रीज़ के लिए थी और ये हमारे कुछ पुराने कबूतर दिखाने के लिए। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल कलरफुल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर लें। ये देखें व्यूअर्स, ये हम तावे दे रहे हैं अभी, ना ये देखें व्यूअर्स, नए कबूतर भी इसमें खुले हुए जो पकड़े थे, और ये तावे दे रहे हैं उन्हें अब, और ये तावों में उतर रहे हैं। तो इस तरह से कबूतरों को ट्रेन किया जाता है। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।